सॉरी सभी, आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ बेइज्जत किया, लेकिन आज तुम्हारी बर्थडे पर एक एहसास जागा है। धड़कने लगे हैं सभी और ईशान के दिल। शुरू होने वाला है दोनों के बीच प्यार का सिलसिला। स्टार प्लस के सीरियल गुम है किसी के प्यार में ईशान और सभी के बीच की सारी गलत फहमियाँ अब दूर होने लगी हैं। कहते हैं ना, प्यार की शुरुआत दोस्ती से होती है और दोस्ती की शुरुआत तकरार से। तो बस ऐसा ही रिश्ता है ईशान और सभी का, जिसकी शुरुआत तो तकरार से हुई थी, फिर दोनों के बीच दोस्ती हो गई है और अब धीरे धीरे इनकी दोस्ती में प्यार के रंग भी घुलने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि आज ईशान ने सभी की जन्मदिन पर रखी है ये स्पेशल पार्टी, जिसे देखकर खुद सभी हैरान है। सॉरी सभी, आज तक मैंने तुम्हें सिर्फ बेइज्जत किया, लेकिन आज तुम्हारी बर्थडे पर एक एहसास जागा है। पता नहीं क्या है ये, शायद मैं समझा ना पाऊं, शायद तुम समझ जाओ, पर जो भी है बहुत खास है। इस खास पल की एक सेल्फी हो जाए। सो उसकी बर्थडे है सभी की, और मैंने ये सरप्राइज प्लान किया हुआ है उसके लिए। उसके फ्रेंड्स हैं, बलून्स है, केक है, तो एक छोटी सी पार्टी इधर गैदरिंग मैंने प्लान किया हुआ है। और वो इसलिए भी क्योंकि जो सभी है वो थोड़ी सी नाराज़ है ईशान से, क्योंकि ईशान को थोड़े ट्रस्ट इश्यूज हैं सभी को लेके, और वो हमेशा उसको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो झोली करती रहती है अपने लाइफ में, और उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि वो कुछ उसके ख़राब सर्कमस्टेंसेस थे। सो बेसिकली ये भी मनाने की कोशिश ही कर रहा है उसे। भाई सभी ने तो ईशान का दिल तभी जीत लिया था जब वो ईशान के सामने सच्ची साबित हुई थी, और अब ईशान सभी का दिल जीतने की तैयारी कर रहा है। वैसे ईशान खुद अनजान है अपने धड़कते दिल से, क्योंकि अब उसकी धड़कने सभी का नाम लेने लगी है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है, और उसे रियलाइज भी हो चुका है कि बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, और उसको कुछ ऐसे हल्का हल्का सा फील हो रहा है कि दिस इज समथिंग मोर देन जस्ट स्टूडेंट प्रोफेसर रिलेशनशिप, प्रोबेबली हेडिंग टूवर्ड्स लव, बट ही इज़ नॉट क्लियर अबाउट इट। सो बट हाँ, उस तरफ रुख कर चुके हैं हम। आई थिंक इट्स अ गॉड्स ब्लेसिंग, और भगवान मेहरबान है। सो मेहनत तो सभी करते हैं, हम भी कर रहे हैं उतनी ही मेहनत, लेकिन हाँ लोगों को हम शायद पसंद आ रहे हैं। सो बस यही दुआ है आप लोगों से कि आप लोग इसी तरीके से हमारा शो देखते रहिए, हमें प्यार करते रहिए। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको इसी तरीके से एंटरटेन भी करते रहेंगे। एक सेल्फी हो जाए। ईशान और सभी भले ही एक दूसरे के करीब आ रहे हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि दोनों नजदीक आएं। अब देखना होगा कि क्या इनकी जोड़ी जमेगी या फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा होगा। मुंबई से कैमरामैन लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हाय ईशान, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं इंडिया वापस आ रही हूँ। ईशान सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको तो पता ही है आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिसका नाम है सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट।